विकासखंड कार्यालय में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस ADMF रजनीश मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान सर्दी के मौसम को देखते हुए कंबल वितरण का कार्य भी किया गया। ADMF रजनीश मिश्रा ने बताया कि देवबंद तहसील को 1724 कंबल अलॉट हुए हैं। उन्होंने बताया इस तहसील दिवस में 6 लोगों को कंबल का वितरण किया गया है, बाकी जो सारे कंबल तहसील को उपलब्ध कराए गए हैं। SDM देवबंद और तहसीलदार देवबंद को कहा गया है कि जल्द से जल्द योग्य व्यक्ति और पात्र व्यक्ति हैं उन सबकी सूची बनवाकर कंबल वितरण किया जाए। वह उन्होंने बताया कि अभी तक 15 शिकायतें आई हैं, 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है, अभी और भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं, उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है और उनकी शिकायतों को त्वरित निस्तारित कराया जा रहा है। अलाव के बारे में बताते हुए कहा कि देवबंद नगर पालिका द्वारा 4 स्थानों पर और तहसील प्रशासन द्वारा 11 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। रिपोर्ट अंकित जैन। तहसील देवबंद को 1724 कंबल अलॉट हुआ है, उसके तहत आज से कंबल वितरण अभियान प्रारंभ किया गया है। अभी इस तहसील दिवस में 6 लोगों को कंबल का वितरण किया गया है, बाकी सभी कंबल जो तहसील को प्रदान किए, तहसील को उपलब्ध कराए गए हैं, वो सारे कंबल SDM देवबंद और तहसील देवबंद को कहा गया है कि इसको जल्द से जल्द जितने भी योग्य व्यक्ति हैं, पात्र व्यक्ति हैं, उनकी सूची बना करके सभी को कंबल का वितरण करा दिया जाए। अभी लगभग 15 शिकायतें यहाँ पर आ गई हैं, 2 शिकायतों का मौके पर हम लोगों ने निस्तारण करा लिया है, बाकी अभी जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा है, धूप हो रही है, और भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं, उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है और उन शिकायतों को त्वरित निस्तारित कराया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा 4 जगहों पर और तहसील प्रशासन द्वारा 11 जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है।